मंगलवार को जिला राजौरी के सब डिवीजन नौशहरा में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर ऑल जम्मू कश्मीर दिव्यांग कल्याण संगठन के वरिष्ठ उप प्रधान व सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार शर्मा की देखरेख में काफी संख्या में दिव्यांगों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की दिव्यांगों के प्रति अनदेखी पर रोष प्रकट करते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि राज्य में यूटी लागू होने के बावजूद भी दिव्यांगों को केंद्र की तर्ज पर लाभ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए जो 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन निर्धारित की गई है वो भी समय पर नहीं मिल रही। दिव्यांगों की मांग है कि प्रशासन उनकी पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह की जाए और बनावटी अंगों के शिविर भी लगाए जाए, जिसमें दिव्यांगों के लिए बनावटी अंग, व्हीलचेयर, तिपैया स्कूटी, कानों के यंत्र आदि प्रदान हो। इसी तरह की और भी कई मांगों को लेकर उन्होंने प्रशासन को इस ओर ध्यान देने के लिए कहा। ऑल जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट राजौरी का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आज हमने जिला राजौरी में दिव्यांगों का आज जो दिन है विश्व विकलांग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से समाज में लेफ्टिनेंट जनरल हमारे जो रियासत के उपराज्यपाल हैं और केंद्र के प्रधानमंत्री जी के नाम ये मैं अपनी मांगे अपने लोगों को जम्मू व कश्मीर के दिव्यांग कल्याण संगठन की परेशानियों के समक्ष आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मुझे बड़ी शर्म आती है जबकि दिव्यांगों के लिए कई कल्याणकारी